एसकेपी 7 न्यूज नालंदा। नालंदा में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान शुरू। लोकतंत्र का महापर्व विधानसभा चुनाव 2020 कड़ी सुरक्षा के बीच नालंदा जिला में शुरू हो चुकी है। मतदान को लेकर सभी 7 विधानसभा पर भारी संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। 7 विधानसभा में NDA बनाम महागठबंधन की लड़ाई देखी जा रही है। आपको बता दें कि नालंदा विधानसभा सीट पर बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार और महागठबंधन उम्मीदवार गुर्जर पटेल के बीच कड़ी टक्कर देखी जा रही है। मतदान सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक डाले जाएंगे। आपको बता दें कि नालंदा में कुल 21,72,347 मतदाता मतदान करेंगे, जिसमें 11,47,361 पुरुष मतदाता, 10,24,912 महिला मतदाता और थर्ड जेंडर वोटर 74 है। मैदान में कुल 144 प्रत्याशी हैं, जिसमें 129 पुरुष और 15 महिलाएं शामिल हैं। बूथों की संख्या 3,186 है, इसमें 22 महिला केंद्र है। 249 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 249 जोनल दंडाधिकारी व CRPF कंपनी को लगाया गया है। नालंदा से दीपक विश्वकर्मा की रिपोर्ट। व्यवस्था, ये विकलांग व्यक्ति हैं, इनके लिए कुछ व्यवस्था थी क्या? नहीं, और व्यवस्था कुछ नहीं था। इनका 82 बरस हो रहा। कैसे लाए इनको? इनको बाइक से लाए हैं, यहाँ पे फिर बूथ पर ले गए हैं, गोदी करके उठा के लेके गए हैं। व्हील चेयर और कुछ नहीं था। कौन सा ये केंद्र है? ये बिहार शरीफ है, नगर निगम है। विधानसभा का चुनाव शुरू हो चुका है और मैं आपको बताऊं कि नालंदा में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से एक बिहार शरीफ भी है और इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार शरीफ प्रखंड कार्यालय परिसर स्थित आदर्श मतदान केंद्र में। यहां जो हमारे पुलिसकर्मी हैं और पुलिस पदाधिकारी, उनसे बात करते हैं किस तरह के गाइडलाइंस आपको दिए गए हैं। तो मैडम बताइए, आपको किस तरह के गाइडलाइंस दिए गए हैं? चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने के साथ ही हम लोगों को कोविड ये ध्यान में रखने के जो सुरक्षात्मक कदम है उसके संबंध में निर्देशित किया गया है। कोविड को देखते हुए यहाँ व्यवस्था की गई है, सैनिटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग के और साथ ही मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही शांतिपूर्ण ढंग से मतदान। तो जैसा कहना है इनका कि चुनाव आयुक्त के जो गाइडलाइंस दिए गए हैं उसके अनुसार से यहाँ मतदान कराया जा रहा है। और यहाँ दिखाएंगे आपको, एक सेल्फी जोन बनाया गया है, यहाँ लोग अपनी तस्वीरें खिंचवा रहे हैं ताकि उन्हें याद रहे कि मैंने भी मतदान किया था। और यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर जो सुरक्षाकर्मी हैं काफ़ी मुस्तैद हैं, और इधर भी आप देखते हैं यहाँ बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। तो सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि इस बार COVID-19 का पूरी तरह अनुपालन किया जा रहा है, उसके गाइडलाइंस को, कि ताकि कोरोना जैसे संक्रमण को रोका जा सके।